नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बारा से खबर। बारा पहुंचे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र दिलावर ने उनके बयान का विरोध करने वालों को बेवकूफ बताया है। उन्होंने विरोध करने वालों को बेवकूफ और मूर्ख करार दे दिया। और हाल ही में दिया गया था मंत्री ने शिक्षकों के कपड़ों को लेकर बयान, जिसका शिक्षकों ने विरोध किया। और अब एक बार फिर से बयान आया है और ये बयान शिक्षा मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का है। और जो उनके बयानों का विरोध कर रहे हैं, जो बयान का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने बेवकूफ बताया। उन्होंने विरोध करने वालों को कहा कि वो बेवकूफ और मूर्ख हैं। कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसी हमारी दृष्टि है, इससे बच्चे सीखते हैं। संस्कार दोनों जगह से पाते हैं। यदि अध्यापक गलत काम करेगा तो बच्चे भी गलत काम की ओर बढ़ेंगे। इसलिए कई बार मैंने कहा जो शिक्षिकाएं हैं वो पूरे कपड़े, जिस जो हमारा परिवेश है और जिस परिवेश में हम रहते हैं, उस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने आने से बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको गलत मानते हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और हमारे सहयोगी राम मेहता इस खबर पर जुड़ गए हैं। राम, क्या कुछ जानकारी? पहले बयान आता है तो उस पर विरोध दर्ज किया गया और जो अब विरोध कर रहे हैं उसको लेकर मंत्री ने कहा है कि वो बेवकूफ है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज मदन दिलावर बारां जिले के दौरे पर यह समीक्षा बैठक लेने, इससे पहले मीडिया से बातचीत करते इस दौरान शिक्षकों को लेकर जो इन्होंने बयान दिया था, शिक्षकों को लेकर बयान दिया था, उसका विरोध शिक्षकों ने किया था। इसके बाद में मदन दिलावर का सीधा सीधा कहना है कि जो विरोध कर रहे हैं वो लोग मूर्ख है, वो समझते नहीं किसका विरोध कर रहे हैं, क्या किस चीज का विरोध करना चाहिए। पूरी तरह से उनको मूर्ख इन्हें बताया गया। हो सकता है शिक्षक संगठनों में इससे भी नाराजगी, इन बयानों के बाद फिर नाराजगी आ सकती है, लेकिन शिक्षा मंत्री का सीधा सीधा कहना है कि विरोध मेरा जो कहने का उद्देश्य था वो अलग तरह का था, लेकिन जिस तरह से पेश किया गया वो गलत तरीके से पेश किया गया। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम पूरी जानकारी के लिए। और मंत्री का कहना यही कि ये जो बयान है वो गलत तरीके से पेश किया गया है।